भाई आज मैं आपको स्टूडियो अपना दिखाता हूँ, क्योंकि एक सर का मैसेज आया था कि सर स्टूडियो दिखाओ कि पैनल किस हाइट पे लगा हुआ है, लाइटिंग कैसे लगी हुई है, कंप्यूटर यानी सर्वर कैसा लगा हुआ है, ओबीएस में व्यू कैसे आता है, पीटीसी कैमरा मूव कैसे करता है, तो पूरा आप एक बार दिखाओ। तो जो मेरा सर अपना स्टूडियो नोएडा में है, मैं उसका विजिट कराता हूँ। तो प्लीज वेलकम, और आप हमारे स्टूडियो में आइए। और ये स्टूडियो मेरा नहीं है, आप सबका है स्टूडियो, क्योंकि आपके लिए ही हमने बनाया है कि आप आए, एक्सपीरियंस ही कर पाए। सबसे पहले हम लाइट्स ऑन करते हैं, ये लाइट्स ऑन। तो एक बार मैं चाहूंगा आकाश को कि पूरा ऑफिस पहले दिखा दे, ठीक है? और अभी आप देखिए मेरा उस पे व्यू भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे सोफा है, ये यहाँ आएंगे बैठेंगे, सामने पैनल लगा है, आप पैनल देखेंगे, ठीक है? तो आकाश को मैं बोलूंगा थोड़ा उस साइड से लेके चलें, ठीक है? देखिए पैनल का जो हाइट होना चाहिए, आप अपने हाइट के हिसाब से उसको एडजस्ट कीजिए, राइट? यानी कि आपका जो ये टॉप वाला हिस्सा है वो पैनल के अपर साइड में होना चाहिए, 4 या 5 इंच आप छोड़ के, सो दैट बोर्ड पे जब आप खड़े हो तो प्रॉपर दिखाइए, ठीक है? अब ये हो गया है पैनल का। पैनल में कोई भी वायरिंग आप देख सकते हैं कि अटैच नहीं है, केवल पावर केबल लगा है पैनल में। यानी सबसे पहले ये क्लियर हो जाए कि पैनल में कोई वायर या कोई कंप्यूटर कोई कैमरा अटैच नहीं होता। पैनल एक आपके राइटिंग बोर्ड की तरह बस है, बस इंटरैक्टिव है, टच है, इसमें आप सारी चीजें कर सकते हैं, राइट? बस यही है। अब आते हैं पैनल वाला पार्ट और स्टूडियो वाला पार्ट उस तरफ, ठीक है? तो यहां पे आप देख सकते हैं ये कैमरा लगा है, पीटीसी कैमरा है, ठीक है? आकाश ये मॉनिटर भी आप दिखाते रहना, ठीक है? तो आप देख सकते हैं ओबीएस में ये सीन भी आ रहा है, और आप ठीक है, मैं फुल स्क्रीन करता हूं। अब देखिए तो मेरा आ रहा है वीडियो, ठीक है? और उसी में दिखाइए आप। अब ये मेरे हाथ में रिमोट है, ठीक है? एक बार रिमोट दिखा दो, जो मेरे हाथ में रिमोट है। अब इस रिमोट से मैं लेफ्ट राइट पीटीसी कैमरे को कर सकता हूं, देखिए मूवमेंट कर रहा है। यानी जब भी आप लाइव क्लास करेंगे तो अब आपको सर्वर एंड पे कोई टेक्नीशियन नहीं चाहिए, राइट? अब कैमरे को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूं, देखिए ये पूरा मेरा ऑफिस आ गया, राइट? अब मुझे केवल अगर अपने फेस पे जूम करना है तो ऐसा नहीं कि बार बार सॉफ्टवेयर पे मुझे जाना है, ठीक है? कुछ नहीं करना, बस आप रिमोट से यहां पे जूम कर दो और आपके चेहरे पे अच्छी सी लाइटिंग अगर हो तो फेस बिल्कुल क्लियर आ जाएगा और आप इसको क्लियर कर लें, ठीक है? ओके। अब थोड़ा सा आप कंप्यूटर दिखा दो और सैनिटाइजर का माइक देखिए, ये है आप, ये सैनिटाइजर का बॉक्स है, ये कनेक्ट होगा आपके कंप्यूटर में, यहां जाके पीछे ये सर्वर में कनेक्ट होगा यहां पे, ठीक है? जो कैमरे का है, कैमरे का भी यूएसबी केबल जाके आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होगा। बस ये सर्वर जो है इसमें यूएसबी जो है 3.0 होना चाहिए, तो विजिबिलिटी अच्छी आएगी। और टीवी का भी कनेक्शन जो है, मॉनिटर का भी जो कनेक्शन है वो आपके सर्वर से है, ठीक है? बस बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद एक अच्छी सी आपकी लाइटिंग हो और कैमरा अच्छा हो, उसके बाद आपका एक अच्छा स्टूडियो रेडी हो सकता है। अब लोग कहते हैं सर कम में बताओ, देखिए कम ज्यादा से मतलब नहीं है, जो चीज लो अच्छी लो, लंबे वक्त तक चले, क्योंकि आपका ये एसेट्स है और आप इससे बच्चों को पढ़ाएंगे और इसी से आपको कमाना भी है, राइट? तो यही रहा पूरा स्टूडियो। और ये एक और पैनल है बेंचमार्क का, ठीक है? लाइटिंग आप 60 वॉट का लगा सकते हैं, और ट्यूबलाइट जो आता है, ठीक है? वो नीचे आप ग्रीन मैट भी करवा सकते हैं अगर आपको करवाना है ग्रीन मैट वगैरह भी, बाकी और नहीं, ठीक है? तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। विकास जी भी आ गए हैं, एक बार इनका भी ले लो, भाई साहब का भी। अब देखिए अब इनका अगर हाइट है, पैनल की बात करें, देखो मेरा अगर हाइट है तो मेरे हाइट के हिसाब से पैनल और नीचे होगा, इनके हाइट के हिसाब से पैनल और थोड़ा ऊपर होगा, राइट? तो
तो ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड कोई साइज है, आपके हाइट के हिसाब से पैनल को अप या डाउन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।